हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं आपको अपने चैनल बजीज लवर अमन कुमार पे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि मेरी इंफॉर्मेशन वाली वीडियो आपको बासानी से मिलती रहे। सॉरी दोस्तों, पिछले दस दिनों पर मैंने आपको अपनी कॉलोनी के बारे में कोई भी अपडेट नहीं दिया दोस्तों, क्योंकि एक छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से मैं हॉस्पिटलाइज था दोस्त। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो इस वजह से मैं इनकी कोई अपडेट आपको दे नहीं सका था। मेरा छोटा भाई है, वो मेरे बजीज और फिंच की कॉलोनी की केयर वो कर रहा था। जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे कहा था अपनी वीडियो में पहले भी कि गर्मी आ गई है, मैं अपनी कॉलोनी की तमाम मटकियाँ निकाल दूँगा, जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ अपनी कॉलोनी की। मैंने तमाम मटकियाँ निकाल दी हैं, बस ये दो मटकी रहने दी है क्योंकि इसमें बच्चे आ गए थे तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं उन बच्चों को आगे पीछे करूं कहीं रखूं, क्योंकि मेरे पास कॉलोनी के अलावा सिंगल केज नहीं है। तो मैंने इसलिए इनको इन दो मटकी लगे रहने दी। जैसे कि दोस्तों गर्मी आ गई है तो आपको मेरे परिंदे अच्छे दिख रहे होंगे, क्योंकि मैंने इनको आज शावर भी करवाया अच्छे तरीके से और ये फ़ैन को मैंने आज बिल्कुल तरीके से लगा दिया है ताकि इनको गर्मी का एहसास बिल्कुल कम हो। देखें, ये मैंने थोड़ी सी सीड मिक्स चेंज की है, इसमें आपको बारीक करनी है, मोटी करनी है, और बाजरे की क्वांटिटी मैंने बिल्कुल ख़त्म कर दी है क्योंकि बाजरा भी गर्म होता है तो गर्मियाँ वैसे ही बहुत है, तो इस वजह से मैंने ये सारी क्वांटिटी कम कर दी। दोस्तों मैंने आप लोग से कहा था कि मेरा लास्ट कलर चल रहा है, क्योंकि मैंने पूरे साल के से इनसे छः ब्रीड मतलब छः कलर सीने हैं, तो लास्ट कलर के सारे बच्चे देखें ये नीचे बैठे हुए हैं, ये सारे बच्चे आ गए हैं। तो वैसे मैंने अभी आप लोग से कहा है कि अब मैं इनको अपनी ऊपर जो छत में कॉलोनी है इंशाल्लाह मैं वहाँ पर अभी इनको जुलाई के शुरू में शिफ्ट करूँगा, क्योंकि कराची का मौसम दिन बर दिन तब्दील हुआ जा रहा है। कभी गर्मी है तो कभी मौसम एकदम से रात के टाइम पर ठंडा हो जाता है, बाद बाज बूंदाबांदी हो जाती है, और वैसे भी कराची में अभी बारिशें होने वाली है क्योंकि मानसून स्टार्ट हो गया है पूरे पाकिस्तान में। कराची में ही बारिशें होने वाली हैं तो बारिशों में फिर पता आपको इनकी केयर करना बहुत मुश्किल होती है, तो इस वजह से मैं अभी इनको ऊपर शिफ्ट नहीं कर रहा। तो आइंदा इस महीने के इंशाल्लाह एंड पे या जुलाई के शुरू पे इनको ऊपर शिफ्ट करेंगे और डेढ़ महीने का इनको रेस्ट देंगे, और अगस्त में इनके मटकियाँ लगाएंगे तो इंशाल्लाह फिर अगस्त में इनसे ब्रीड लेंगे, फिर आपको उसके ब्रीड के हवाले से भी आपको अपडेट देते रहेंगे। और फिर मैं जब अपनी कॉलोनी पर शिफ्ट करूँगा तो फिर मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है एक अच्छी कॉलोनी बनाने पे, और किस तरीके से आपने अपने पेयर को कॉलोनी पे छोड़ना है, ज़्यादा मेल नहीं हो, ज़्यादा फीमेल नहीं हो। तकरीबन जितने पट्टे भी तकरीबन मेरे पास इस वक्त 20 पट्टे या 22 पट्टे आए हैं, तो मेरे पास टोटल 110, 112 पीस हो गए हैं। तो इंशाल्लाह मैं इनसे अगस्त पे ब्रीड लूँगा, जो पट्टे हैं वो भी थोड़े बड़े हो जाएंगे अगस्त तक। पट्टे तो खैर ब्रीड नहीं करेंगे, पर ये है कि थोड़े से हो जाएंगे तो एक से दो महीने के अंदर अंदर वो भी ब्रीड करना स्टार्ट कर लेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, और मेरी वीडियो को अगर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर किसी भाई को भी कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं बर्ड्स के हवाले से, तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपने और अपने परिंदों का ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।